हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फाउंडेशन में। एंड आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, कस्टम यूजर मॉडल पे काम करेंगे। मीन्स कि जब हम लोग अपनी ई कॉमर्स साइट को ओपन करते हैं एंड इसका अगर हम लोग एडमिन पैनल ओपन करें, एडमिन, इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे हमको जो जेंगो का एडमिनिस्ट्रेशन का जो लॉगिन पेज होता है, इसमें हमसे बाय डिफॉल्ट क्या मांगता है, यूजर नेम मांगता है एंड पासवर्ड मांगता है। बट हम चाहते हैं कि यूजर जो है वो ईमेल आईडी से क्या करे, अपना अकाउंट लॉगिन करे। तो कुल मिला के हमें यह करना है, जो डिफॉल्ट हमको जेंगो का एडमिन पैनल मिलता है, ठीक है, इसको कस्टमाइज करना है। तो कैसे करेंगे जेंगो के डिफॉल्ट पेज को कस्टमाइज, ये हम लोग आज की क्लास में सीखने वाले। तो इसके लिए चलना पड़ेगा हमको वीएस कोड टेक्स्ट एडिटर में, ठीक है, यहाँ पे हम लोग अपना सारा कोड लिखेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसा करते हैं कि हम लोगों ने इसके लिए एक अलग से एप्लीकेशन कर लेते हैं क्रिएट। तो कंट्रोल सी से करेंगे हम लोग अपना सर्वर क्लोज, इसके बाद सी एल एस से क्लियर स्क्रीन, एंड यहाँ पे हम लोग नई एप्लीकेशन बनाएंगे। उसके लिए कमांड चलाएंगे पाइथन मैनेज डॉट पी वाई स्टार्ट ऐप str स्टार्ट ऐप, एंड ऐप का नाम लेने वाला हमारा अकाउंट, CoUNTS अकाउंट। ओके, अकाउंट्स में क्या बैटर करेंगे। ओके, तो हमारा अकाउंट नाम की एप्लीकेशन बनके तैयार हो जाएगी, जो तुम लोग यहाँ देखेंगे। परफेक्ट। सेकेंड काम क्या रहेगा, इसको रजिस्टर करना पड़ेगा हमको माई स्टोर ऐप के अंदर। सो माई स्टोर में आते हैं सेटिंग्स डॉट पी वाई फाइल में, जहाँ पे हम लोगों ने सभी एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया था, वहीं पे हम लोग अपने अकाउंट एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल करेंगे। सिंगल कोर्स के अंदर अकाउंट्स AOCOUNTS, परफेक्ट, अकाउंट कर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी अकाउंट एप्लीकेशन है इसको क्लोज करते हैं, इसको भी करते हैं मिनिमाइज। जो अकाउंट एप्लीकेशन है इसमें जो मॉडल्स डॉट पी आई फाइल है, इसमें हम लोग आज मॉडल बनाने वाले हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट कर ले पहले इंपोर्ट कर लेंगे पहले जेंगो का यूजर मॉडल। सो कैसे मिलेगा हमको, फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्ट्रैक्ट डॉट ऑथ डॉट मॉडल्स से आप इंपोर्ट क्या कर दो, इंपोर्ट कर दो एब्स्ट्रैक्ट, इंपोर्ट कर दो एब्स्ट्रैक्ट बेस यूजर, एंड सेकंड है हमारा बेस यूजर मैनेजर, ये इसको मैनेज करेगा। परफेक्ट। तो हम लोग यहाँ पे अपनी क्लास बनाते हैं, क्लास, एंड क्लास का नाम रहने वाला है हमारे यहाँ से अकाउंट, AOCOUNT AOCOUNT। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास को कर लेते हैं इनहेरिट, जिससे हमको इसकी सारी फंक्शनलिटी मिल जाएंगी। इसको हम लोग फिर इसको ओवरराइड करेंगे। कैसे करेंगे, देखो तो फर्स्ट हम लोग कुछ फील्ड बनाते हैं एट्रीब्यूट, first_name। तो पहला हो जाएगा हमारा फर्स्ट नेम, इसमें रहेगा हमारा मॉडल्स डॉट कैरफील्ड, ठीक है। सो कैरफील्ड में हम लोग मैक्स लेंथ दे देंगे, max_LENGTH, मैक्स लेंथ इक्वल टू LENGTH, मैक्स लेंथ इक्वल टू 50, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग कुछ फील्ड बनाते हैं। तो मैं क्या पहले से करता हूँ ना, मैं कुछ इसके ना जो फील्ड्स हैं वो बना लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। इससे क्या हो जाएगा कि हमारी जो वीडियो है वो वीडियो की जो लेंथ होगी वो कम होगी। मैं वीडियो को करता हूँ पॉज। सो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मॉडल्स बना लिया है, अब देखिए आप। सो मैंने यहाँ पे क्या लिया, एक लास्ट नेम लिया जिसमें हमारा फील्ड रहेगा कैर फील्ड, जिसमें मैक्स लेंथ कितनी है लोगों ने 50। इसी तरीके से यूजर नेम मॉडल्स डॉट कैर फील्ड मैक्स लेंथ 50 एंड यूनिक टू, क्योंकि आपको पता है कि यूजर नेम रहेगा वो हमेशा यूनिक रहेगा, सेम मतलब मल्टीपल यूजर का यूजर नेम सेम नहीं हो सकता। इसके बाद फोन नंबर, फोन नंबर में हम लोग का मॉडल्स डॉट कैर फील्ड मैक्स लेंथ 50, एंड जो रिक्वायर्ड फील्ड है हमारे एडमिन के लिए वो ये बहुत जरूरी है, इसके बिना हम उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो पहला है डेट अंडरस्कोर ज्वाइन, इसमें लिखा होगा डेट फील्ड ऑटो नाउ एडमिट ट्रू, फिर लास्ट लॉग इन, लास्ट लॉग इन में ऑटो नाउ एड ट्रू करना है आपको, फिर इज एडमिन जो कि क्या वो एडमिन है, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग फॉल्स रखेंगे, इज स्टाफ बाय डिफॉल्ट फॉल्स, इज एक्टिव बाय डिफॉल्ट फॉल्स, इज सुपर एडमिन बाय डिफॉल्ट फॉल्स, क्लियर। सो ये कुछ हम लोगों ने रिक्वायर्ड फील्ड बना लिए जो कि कस्टम यूजर के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं और अब हम देखेंगे यूजर नेम का फील्ड किस नाम से, मतलब किस नाम से आप लॉग इन कराना चाहते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा यूजर, यूजर नेम USER NA, यूजर नेम
अंडरस्कोर फील्ड FIELD, ठीक है। सो यूजर नेम फील्ड लिया मैंने यहाँ पे ईमेल, ईमेल। इसके बाद रिक्वायर्ड फील्ड कौन कौन से हैं यहाँ पे, RE रिक्वायर्ड फील्ड्स। सो रिक्वायर्ड जो फील्ड्स हैं हमारे पास वो मैं आगे डिफाइन कर दे रहा हूँ। पहला है हमारा यूजर नेम, यूजर नेम कॉमा, इसके बाद फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, एंड इसके बाद जाएगा मैं लास्ट, लास्ट अंडरस्कोर। तो एक बार मैच कर लेता हूँ ऊपर मॉडल से, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम FIRST फर्स्ट, लास्ट अंडरस्कोर नेम, परफेक्ट। ये कुछ रिक्वायर्ड फील्ड्स हो गए हमारे। इतना करने के बाद फिर हम लोग HTML ओवर एड कर देंगे। सो आते हैं डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर STR अंडरस्कोर अंडरस्कोर, देन यहाँ पे आपको सेल्फ लगाना है, फिर रिटर्न कर देना है RATU, रिटर्न कर देना है आपको यहाँ पे सेल्फ डॉट ईमेल। ईमेल से हम लोग अपने डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद ये काम हो गया। सेकेंड स्टेप आपका ये है कि जब आपने अपना मॉडल्स को क्रिएट कर लिया है, तो क्रिएट करने के बाद अब क्या करना है, हमको करना है माइग्रेट। सो जब आप माइग्रेट करेंगे, तो माइग्रेट करने से पहले ना आपको एक काम करना पड़ेगा। ये एक्चुअली में ये जो हम लोग टास्क परफॉर्म करा रहे हैं, हमको पहले कर लेना चाहिए था, जबकि हम थोड़ा सा लेट हो गए, तो इस वजह से हमको इसकी सजा भी मिलेगी। सो हमारी सजा ये है कि अभी तक हम लोगों ने जितना भी डेटाबेस के अंदर डेटा सेव किया है, उसको हमको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, एंड अगेन हमको वो डेटा फिल करना पड़ेगा। सो मैं अपनी db.sqlite3 जो फाइल है, उसको मैं राइट क्लिक करके क्या करने वाला हूँ, डिलीट करने वाला हूँ। सो यहाँ से हम लोग करते हैं इसको डिलीट। अब ये भी होगा कि जब हम लोग डेटाबेस को डिलीट करेंगे, तो जितना भी डेटा हम लोगों ने इसमें स्टोर किया हुआ है, वो भी क्या हो जाएगा, हमारा गायब हो जाएगा। सो डेटाबेस गया हमारा। इसके साथ साथ जो हम लोगों ने यहाँ पे स्टोर में, स्टोर ऐप के अंदर माइग्रेट जो फाइल बनाई थी हमारी पंच वाली इनिट वाली, ये फाइल जो थी, इसको भी हम करेंगे डिलीट। माइग्रेट बता दीजिए। इसके बाद कार्ड्स में तो हम लोगों ने कोई माइग्रेट फाइल बनाई नहीं, बनाई थी इसको भी रिमूव कर देते हैं। और ये आपको भी कर लेना है, ठीक है। तो कार्ड की कर लिया हम लोगों ने। कैटेगरी, कैटेगरी में क्या कोई ओके। सो कैटेगरी में हमारी दो फाइल्स हैं, ये दोनों को राइट क्लिक करना है और इसे कर देना है डिलीट, ठीक है। ये भी हो गया हमारे फाइल डिलीट, कैटेगरी हमने कर दी। उसके बाद माई स्टोर को परफेक्ट ना। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे कमांड चलाएंगे, मतलब अपना सर्वर रन करेंगे, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। जब रन करेंगे तो आपको एरर मिलेगा, डेफिनेटली बात है एरर मिलेगा, क्योंकि हमने एसक्यूएल फाइल को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया है। बट आपको जो db.sqlite3 फाइल थी वो आपको मिल जाएगी। इसको रन करते हैं हम लोग, और रन करेंगे तो आपको एरर मिलने वाला है। अभी तो एरर मिला, बट इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करने के बाद इसको फाइल मिलनी चाहिए थी, हमको फाइल नहीं मिली। एक मिनट देखते हैं कहाँ पे इशू आ रहा है, एरर में इज एडमिन डिफॉल्ट FAE वर्ड। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक कर दी हम लोगों ने आर्गुमेंट में। सो डिफॉल्ट एक बार चेक कर लेते हैं हम, DEFAULT, ULT, ओके। ये होता रहता है मेरे साथ हमेशा स्पेलिंग, इसलिए कॉपी करके पेस्ट करना पसंद करता हूँ, ठीक है। सुपर। अभी हम लोग करते हैं CLS। सो ये रन हो गया, बट जो हमारी एसक्यूएल की फाइल थी वो बनी नहीं बनी, वैसे कर लेते हैं। परफेक्ट। अब यहाँ देख सकते हैं कि db.sqlite3 जो फाइल थी हमारी बन के रेडी हो चुकी है। सो अभी क्या करेंगे हम लोग, इसको कंट्रोल सी से क्लोज कर देते हैं, एंड यहाँ पे ये काम तो फिनिश हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो मेक माइग्रेशंस कमांड थी उसको रन करेंगे। सो पाइथन
मैनेज डॉट पी वाई मेक माई ग्रेशंस, मेक माइग्रेशंस एंड सो यहाँ पे हमारे सारे टेबल बन जाएंगे। इसके बाद हम माइग्रेट करेंगे इसको पी एल एस पाइथन मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट जी आर एफ टी माइग्रेट करके एंटर करते हैं। सो यहाँ पे हमारे सारे फाइल माइग्रेट हो चुके हैं, चाहे वो जेंगे को डिफॉल्ट फाइल्स हो या हमारी कस्टम ऑर्डर्स हो। इसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी फाइल को रन करते हैं, मतलब अपने पेड़ को रन करते हैं टर्मिनल में सी एल एस पाइथन मैनेज डॉट ई वाई रन सर्वर एंटर करते हैं। ओके सो हम चलते हैं यहाँ पे, इसको रिफ्रेश करते हैं एडमिन पैनल को एंड यहाँ पे इसको रिफ्रेश करेंगे। सो जो डेटा था हमारा वो चला जाएगा क्योंकि अभी तक हम लोगों ने कुछ डेटा फिल नहीं किया। सो अब यहाँ पे हम लोग जो यहाँ पे देख रहे हो, अब यूजर नेम आ रहा है एंड पासवर्ड आ रहा है, इसको हमें एक्सेस करना है। मतलब यहाँ पे हमको फील्ड वगैरह इसके चेंज करना है ताकि हमसे क्या मांग रही है, यूजर नेम और पासवर्ड। तो चलो अगेन आते हैं हम लोग इस पे, क्विट करते हैं मॉडल्स वाले पे एंड यहाँ पे हम लोग अपना लॉजिक लिखेंगे। ठीक है, सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बनाना पड़ेगा एक मैनेजर फाइल जो क्या करेगा, हमारे मॉडल को मैनेज करेगा। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं, एक क्लास बना लेते हैं एंड क्लास का नाम रहेगा हमारा माई अकाउंट मैनेजर, अकाउंट मैनेजर। ठीक है, एंड इसको भी कर लेंगे इनहेरिट हम लोग बेस यूजर मैनेजर से, बेस यूजर मैनेजर क्लियर। इसके बाद इसमें हम लोग एक मेथड बनाएंगे जो कि रहेगा क्रिएट पी आर ई ए टी क्रिएट यूजर। जब हम लोग क्रिएट करेंगे तो इसमें रहेगा पहला पैरामीटर सेल्फ, इसके बाद फर्स्ट नेम एफ आई आर एस टी फर्स्ट नेम, सेकंड लास्ट नेम, लास्ट लॉगिन नहीं हुई है लास्ट नेम, लास्ट नेम। इसके बाद लास्ट नेम हो गया, फिर हम लोगों ने एक फील्ड लिया था यूजर नेम, इसके बाद एक फील्ड और था हमारा ये हो गया एक ईमेल एंड सेकंड पासवर्ड पी ए डबल एच डब्ल्यू आर डी। पासवर्ड में हम लोग बाय डिफॉल्ट क्या देते हैं, यहाँ पे नल वैल्यू देते हैं नल, हो गया कॉलन एंटर करें। इसके बाद यहाँ पे कंडीशन लाएंगे इफ नॉट ईमेल, अगर ईमेल नहीं है ई एम ए आई एल ईमेल नहीं है देन आपको क्या करना है, देन आपको एक एरर मैसेज दे देना है रेस आर ए आई एस ए रेस और ए आई एस सॉरी आर ए आई एस ए रेस कर देंगे हम लोग एंड एरर मैसेज क्या देंगे वैल्यू एरर, वैल्यू एरर एंड वैल्यू एरर मैसेज करेगा बहुत ही सिंपल सा मैसेज आएगा कि यूजर मस्ट हैव एंड ईमेल एड्रेस। ठीक है, ये हमारा मैसेज रहने वाला है, इसका भी एम इस्तेमाल कर दें सही रहेगा परफेक्ट। इसके बाद जैसे हम लोगों ने ईमेल के लिए किया है इसी तरह से किसके लिए कर देंगे हम लोग, यूजर नेम के लिए इफ नॉट यूजर नेम, अगर उसको यूजर नेम नहीं मिलता है देन क्या करना है आपको, उसके लिए आपको रेस कर दीजिए आर ए आई एस ए रेस कर दीजिए वैल्यू एरर एंड वैल्यू एरर मैसेज दे दिए कि यूजर मस्ट हैव एन यूजर नेम, यूजर मस्ट हैव एन यूजर नेम परफेक्ट। यूजर डॉट सेट अंडरस्कोर पासवर्ड पी ए डबल एस डब्ल्यू ओ आर डी पासवर्ड में क्या देंगे इसको पासवर्ड, यूजर इसको अभी नहीं मिल रहा है तो डिफाइन करना पड़ेगा हमको यूजर इक्वल टू सेल्फ डॉट मॉडल। सो अब मॉडल में कौन कौन से फील्ड है हमारे यहाँ पे, मैं यहाँ पे सर्कल की फॉर्म ले लेते हैं। पहला है हमारा ईमेल, सो ईमेल में हम लोग रखेंगे सेल्फ डॉट नॉर्मलाइजेशन
नॉर्मलाइज मेल एंड यहाँ पास कर देंगे ईमेल। अब ये नॉर्मलाइज मेल का मतलब क्या होता है कि चाहे आप कैपिटल लेटर में लिखो या फिर स्मॉल लेटर में लिखो, बाय डिफॉल्ट क्या करेगा ये फॉर्मेट में ले लेगा आपके ईमेल को, ठीक है। इसके लिए आपको अलग से कोई लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं है, ये एडिट काम करेगा हमारा, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड, ईमेल के बाद हम ले लेंगे यहाँ से यूजर नेम, यूजर नेम, यूजर नेम। इसके बाद फिर हो जाएगा फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम में, लास्ट अंडरस्कोर नेम में लास्ट नेम, ये ठीक है। इतना हो गया, यूजर बना दिया हम लोगों ने। सेल्फ डॉट मॉडल नॉर्मलाइज अंडरस्कोर ईमेल, यूजर नेम में यूजर नेम, फर्स्ट नेम में फर्स्ट नेम, लास्ट में लास्ट नेम, एंड इसको सेट कर दिया पासवर्ड में पासवर्ड। इतना करने के बाद जो हमारा यूजर होगा, यूजर डॉट, एंड इसको कर देंगे हम लोग सेव। आप सेव कैसे करेंगे देखो, यहाँ पर आएगा सेल्फ यूजिंग, USALE, यूजिंग इक्वल टू सेल्फ डॉट अंडरस्कोर डीबी, ये क्या देगा हमारा यूजर सेव हो जाएगा। एंड हम लोग रिटर्न कर देंगे, रिटर्न कर देंगे यूजर। कितना काम करना, अब ये तो हो गया किसके लिए, ये हो गया हमारा एक नॉर्मल यूजर जो होगा, ठीक है। इसके बाद अगर सपोज करो हमारा एडमिन यूजर है, मतलब कि एडमिन यूजर के लिए क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे आएंगे टैग क्रिएट अंडरस्कोर सुपर यूजर, USER, क्रिएट अंडरस्कोर सुपर यूजर, ठीक है। सुपर यूजर इसमें क्या क्या फील्ड रहेंगे, पहला तो रहेगा हमारा सेल्फ रहेगा क्योंकि इंस्टेंस मेथड है हमारा। इसके बाद फर्स्ट नेम रहेगा सेकंड के लिए, लास्ट नेम। इसके बाद हम दे देंगे यहाँ पे ईमेल, इसके बाद हम दे देंगे यहाँ पे यूजर नेम एंड लास्ट में पासवर्ड, कॉलन लगाया, देन यूजर इक्वल टू, अब क्या करेंगे ऐसे हम क्रिएट करेंगे सेल्फ डॉट क्रिएट डॉट यूजर, यूजर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्रिएट करेंगे, सो सारे फील्ड वही रहेंगे हमारे जो हमने वहाँ पे लिखे हुए थे, तो या तो आप कॉपी कर लो, नहीं कॉपी कर लेते तो अच्छा रहेगा, ये हम लोग यहाँ से आते कॉपी कर लेते हैं पूरा एंड यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा ईमेल, हो गया सेल्फ डॉट नॉर्मलाइज में ईमेल, यूजर नेम हो गया हमारा एंड फर्स्ट पासवर्ड नहीं लिखा यहाँ पे, पासवर्ड इक्वल टू पासवर्ड। सो यूजर नेम पहले देखो, ईमेल हो गया, यूजर नेम भी हो गया हमारा, पासवर्ड भी हो गया, फर्स्ट नेम हो गया एंड लास्ट नेम, इतना काम हो गया हमारा। इसके बाद अभी कुछ भी हम लोगों ने, तो यहाँ भी देना पड़ेगा पासवर्ड, पहले चेक कर लेते। सो ये वाला काम भी हो गया, अभी क्या करेंगे हम लोग, सुपर यूजर हम लोगों ने कर लिया क्रिएट, इसको ना कुछ हमको परमिशन देनी पड़ेगी क्योंकि सुपर यूजर है, तो सुपर यूजर है तो मुझे परमिशन दो उसको। चलो फिर यहाँ लिखा हम लोगों ने यूजर डॉट इज अंडरस्कोर एडमिन, हम क्या कर देंगे इसको ट्रू कर देंगे। इसके बाद यूजर डॉट इज अंडरस्कोर एक्टिव, इज अंडरस्कोर एक्टिव में क्या कर देंगे इसको हम लोग ट्रू कर देंगे। फिर यूजर डॉट इज अंडरस्कोर स्टार, ये कर देंगे हम लोग, क्योंकि जो हमारा सुपर यूजर है इसके पास टोटल एक्सेस रहेगा, तो हम लोग इसमें हर चीज प्रूव कर देंगे। यूजर डॉट इज अंडरस्कोर
सुपर एडमिन क्या रहेगा भाई, ये भी ट्रू रहेगा। इस अब कुछ नहीं बचा, तो हम क्या करेंगे, यूजर को डॉट सेव कर देंगे। एंड सेव करने के बाद जैसे हमने यहाँ पे ऊपर यूज किया था ना, यूजिंग में कर देंगे हम लोग सेल्फ डॉट अंडरस्कोर डी, ये सेव हो जाएगा। एंड इसके बाद रिटर्न कर देंगे हम लोग यूजर। अब इसको हमें क्या करना है, यूज करना है अपने मॉडल के अंदर। तो कैसे करेंगे, ये तो हमारा बन के तैयार हो गया, अकाउंट माई अकाउंट मैनेजर। तो इसे यूज करना है मुझे अपने अकाउंट में। सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या यूज किया था, अपने फील्ड्स यूज किए थे एसटीआर मेथड के बाद, यहीं पे हम लोग इसको कॉल करा लेते हैं। तो कैसे करना है इसको, बहुत ही सिंपल है। तो आप पहले ऑब्जेक्ट बना लीजिए माई अकाउंट मैनेजर का। माई अकाउंट मैनेजर बन गया हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा। एंड ऑब्जेक्ट, चलो एक बार इसको हम लोग चेक कर लेते हैं, अगर कोई मिस्टेक होगी फिर हम लोग इसको मॉडिफाई कर लेंगे। बेस मैनेजर है, ठीक है, परफेक्ट। कितना कर लिया, अभी हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो बनाया हम लोगों ने इसको अपने सेटिंग्स फाइल में रजिस्टर कर देंगे, क्योंकि हमने फॉर्थ यूजर मॉडल को चेंजेस किए हैं कुछ। आएंगे हम लोग माई स्टोर के सेटिंग्स डॉट पी वाई फाइल में। एंड यहाँ पे आके ना आपको एक फाइल मिलेगी डब्ल्यू एस जी आई करके, चलो ये भी यही पे लोग इसको डिफाइन कर देते हैं। तो ऑथ अंडरस्कोर यूजर अंडरस्कोर मॉडल, तो कौन सा मॉडल है भाई। तो फिर हमने अकाउंट्स नाम की एक ऐप वो बनाई थी, एप्लीकेशन अकाउंट्स, ए डबल सी ओ यू एन टी एस, अकाउंट्स डॉट अकाउंट्स में हमने क्लास बनाई थी अकाउंट, ठीक है, ये हमने सेट कर दिया। अभी हम लोग अगर इसको ये दिखा रहा है, एक एरर दे रहा है, बोल रहा है कि फील्ड डज नॉट एग्जिस्ट, अकाउंट हैज नो फील्ड नेम ईमेल। ओके सो चेक करते हैं फटाफट, अकाउंट में आना है, अकाउंट में जो मॉडल है यहाँ पे कोई ईमेल फील्ड नहीं है, तो यहाँ पे एक ईमेल फील्ड बना लेते हैं भाई, ईमेल इक्वल टू मॉडल्स डॉट ईमेल फील्ड, सेव करते हैं। अभी चेक करेंगे, सो अभी ये एरर दे रहा है कि अकाउंट डॉट ईमेल मस्ट बी यूनिक बिकॉज इट इज नेम एज यूजर नेम फील्ड। ओके सो ये यूनिक होना चाहिए, यू एन आई क्यू यूनिक इक्वल टू ट्रू। आप चेक करते हैं एरर, सो एरर खत्म हो गया, कभी कोई एरर नहीं है। ब्राउजर पे एडमिन को रिफ्रेश करेंगे, सो यहाँ पे देखेंगे अब क्या मांग रहे हैं हमसे, ये ईमेल एड्रेस मांग रहे हैं और मांग रहे हैं पासवर्ड, ये दो चीज़ें हमसे मांग रहे हैं। सो ईमेल एड्रेस हम लोगों ने अभी तक तो कोई सुपर यूजर क्रिएट ही नहीं किया, तो यहाँ पर आते हैं हम लोग एक सुपर यूजर बनाते हैं। सो कंट्रोल प्लस सी करेंगे पहले, एंड सी एल एस करेंगे, इसके बाद लिखेंगे यहाँ पे पाइथन मैनेज डॉट पी वाई क्रिएट सुपर एस यू पी ई आर सुपर यूजर, एंटर करेंगे। सो यहाँ से ईमेल एड्रेस मांग रहे हैं, जबकि पहले यूजर नेम मांगता था हमसे। लिखेंगे, मैंने लिखा यहाँ पे दीपक एट जी मेल डॉट कॉम, एंटर करते हैं। सो इसके बाद हमको ना एक एरर दे रहा है, और ये एरर है हमारे पास, ये कह रहा है कि नो सच कॉलम अकाउंट्स अंडरस्कोर अकाउंट डॉट ईमेल। ओके सो इसके पास क्या नहीं है ऐसे कुछ ईमेल अकाउंट। अच्छा तो हम लोगों ने ईमेल फिर बाद में ऐड किया था, तो माइग्रेट करना पड़ेगा मेरे को। सो पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माई ग्रेजर कर लेते हैं, एंटर करते हैं। सो सिलेक्टेड ऑप्शन, सो माई डिफॉल्ट टू भी सिलेक्ट लेते हैं।
तो इसको ऐसे करते हैं ना हम लोग भी बनाए कहाँ पे, तो मैं दोबारा से एक बार ना इस सभी को डिलीट कर देता हूँ एंड अगेन कर लेंगे माइग्रेट, क्योंकि तो फिर मैं नहीं चाहता कि बाद में प्रॉब्लम क्रिएट हो। फिर मैं राइट इसको ना दोबारा से डिलीट करके हम लोग करेंगे माइग्रेट। सो मैं राइट क्लिक करता हूँ इस पर माइग्रेट डिलीट। इसके बाद अकाउंट्स में तो माइग्रेट बनाएंगे बस, बना है ओके। डिलीट अकाउंट हो गया, कार्ड्स डिलीट, कार्ड्स भी हो गया एंड कैटेगरी, कैटेगरी में माइग्रेट फाइल जो बनी है हमारी इसको भी कर दीजिए आप डिलीट, ये हो गया कैटेगरी भी हो गया। उसके बाद अब रह रहा है हमारा स्टोर, स्टोर में माइग्रेट माइग्रेट राइट क्लिक करेंगे यहाँ से डिलीट कर देंगे परफेक्ट, कैटेगरी कर दिया मैंने कैटेगरी कैसे हो कैटेगरी में नहीं है कुछ भी परफेक्ट। और कुछ तो नहीं रह गया ना, मेरे साइड से डन हो गया एक बार, तो डन करके देख लेते हैं तुम लोग। सी एल एस मेक माइग्रेशंस, सो ये माइग्रेशन हो गई हमारी सारी की सारी। अभी हम करेंगे माइग्रेट माइग्रेट, तो माइग्रेट भी हो गई सारी फाइल्स हमारी सी एल एस। इसके बाद हम करेंगे सुपर यूजर क्रिएट, सुपर यूजर क्रिएट करेंगे, ईमेल मांग रहे हमसे, मैंने कहा दीपक एट जीमेल डॉट कॉम, एंटर करते हैं यूजर नेम दीपक एंड फर्स्ट नेम दीपक लास्ट नेम कुमार एंड पासवर्ड मैंने यहाँ पे दे दिया दीपक, एंटर करो पासवर्ड दीपक एंटर। सो पासवर्ड डिडंट मैच दीपक, सो बाईपास करना चाहते हैं आप, यस यस लिख के एंटर किया। सो अब यहाँ पे एक माइनर सा एरर आ रहा है, ये एरर आ रहा है कि क्रिएट अंडरस्कोर सुपर यूजर में क्या नहीं मिला इसको, एट्रीब्यूट एरर ऑब्जेक्ट है नो एट्रीब्यूट यूजर। चलो इसको देखते हैं भाई कहाँ पे एरर आ रहा है। क्रिएट डॉट सुपर यूजर, क्रिएट अंडरस्कोर यूजर होगा शायद, क्रिएट अंडरस्कोर यूजर मैंने यहाँ पे क्या लगा रखा है डॉट लगा रखा है, और ये मिस्टेक बहुत होती है। सेव करते हैं इसको हम लोग, सेव करने के बाद दोबारा से वही काम करेंगे सी एल एस क्रिएट सुपर यूजर दीपक एट जीमेल डॉट कॉम, यूजर नेम दीपक फर्स्ट नेम दीपक लास्ट नेम दीपक पासवर्ड एडमिन एडमिन यस एंटर एंड सुपर यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो ये काम तो हो गया हमारा। अभी मैं सर्वर को रन करता हूँ यहाँ से, इसको रन करते हैं हम लोग एंड कोई एरर ना हो। हाँ रन हो गया। इसके बाद हम लोग कहाँ पर आएंगे, एडमिन वाले पेज पे इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे ईमेल डालूंगा यहाँ पे मैं अपनी दीपक एट जीमेल डॉट कॉम डॉट कॉम, अरे भाई डल जा डॉट कॉम एंड पासवर्ड एडमिन, लॉग इन करते हैं। सो अब यहाँ पे देखो एक एरर और आ रहा है, ये कह रहा है कि अकाउंट्स ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट हैज मॉड्यूल्स परम्स। ठीक है, तो ये दूसरी एरर है, मतलब वहां तक का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसके आगे का टास्क हम देखें। तो ये जो एरर आई है ना हमारी,
ये वाली एरर, क्योंकि हम लोगों ने अपने अकाउंट मॉडल के अंदर कोई भी ये मेथड्स को हम लोगों ने कॉल नहीं कराया, तो इसको हम लोग अभी कराने वाले हैं। सो हम लोग आते हैं यहाँ पे एंड इसको भी हम लोग ठीक करेंगे अभी। ये हमारा अकाउंट मॉडल हो गया एंड एसटीआर मेथड ओवर एड किया था एंड इसी के बाद यहाँ पे रिफर कर लेते हैं। तो हम लोग ने एक मेथड बनाते हैं डेफ हैस अंडरस्कोर परम्स PERM परम में सेल्फ, पहला हो जाएगा सेल्फ, उसके बाद यहाँ पे आता है PERM एंड ऑब्जेक्ट में लिख देंगे यहाँ पे नन, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट हम नन दे देंगे एंड यहाँ से रिटर्न करा देंगे हम लोग, रिटर्न कराएंगे सेल्फ डॉट इज अंडरस्कोर एड। इसके बाद फिर हम लोग हैज अंडरस्कोर मॉड्यूल अंडरस्कोर एंड पर्म PERMs पर्म्स एंड यहाँ पे सेल्फ पहला पैरामीटर होगा, उसके बाद एड अंडरस्कोर लेबल्स LAPEL, देन यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर देंगे ट्रू। ये बेसिक फंक्शनलिटी है, ये जब भी हम लोग अपने कस्टम मॉडल में मॉडिफाई करते हैं तो ये दो मेथड को कॉल करना ही पड़ता है, ओवरराइड करना पड़ता है इसको। इतना हो गया, अभी हम लोग चेक करते हैं कि ये प्रॉपर काम कर रहा है नहीं कर रहा। पहले देखते हैं यहाँ पे कोई एरर नहीं है, कोई एरर नहीं, अभी हम लोग रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे आप मूव कर देंगे अपने एडमिन पर, परफेक्ट। बट यहाँ पे अभी तक हमको कोई भी अपना अकाउंट नाम की जो एप्लीकेशन थी वो यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है देखने को? क्योंकि हम लोगों ने क्या नहीं किया अभी, उसको एडमिन डॉट पी वाई में रजिस्टर्ड नहीं करा। अभी अकाउंट का जो एडमिन डॉट पी वाई फाइल है यहाँ पर आते हैं और इसमें अपने एप्लीकेशन को रजिस्टर करते हैं, ठीक है। तो ये तो बहुत ही आसान है, कैसे करते हैं? तो सबसे पहले आप क्या करो, फ्रॉम डॉट मॉडल से इम्पोर्ट कर दो किसको, अकाउंट एंड यहाँ पे एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर कर दीजिए किसको, काउंट। इतना करने के बाद जब आप रिफ्रेश करेंगे ना पेज पे, यहाँ पे आते हैं रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे देखिए आप अकाउंट पे जाता है, ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ही यूजर है, दीपक यूजर। पर यहाँ पे देखो एक चीज देख रहे हो आप, ये पासवर्ड जो है वो एडिटेबल है जबकि नहीं होना चाहिए, ठीक है। इज एडमिन इज स्टाफ इज एक्टिव, इसको भी आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ये भी नहीं होना चाहिए। तो इसको हम लोग कैसे मॉडिफाई करते हैं, मतलब हमारा पासवर्ड क्या होना चाहिए, रीड ओनली फॉर्मेट में होना चाहिए, आप कोई भी इसको क्या ना कर पाए, एडिट ना कर पाए, ठीक है। तो उसके लिए हमको ना एक क्लास बनानी पड़ेगी, तो चलो हम यहाँ पे क्लास बना लेते हैं, एक क्लास एंड क्लास बना लेते हैं। क्लास का नाम क्या रखते हैं, क्लास का नाम हम लोग रख लेंगे यहाँ पे कुछ भी रख लेते हैं, मैंने एडमिन अकाउंट एडमिन रख लेते हैं, चलो ठीक है अकाउंट एडमिन। इसके बाद आपको पता है कि क्या करना पड़ेगा, हमको यूजर एडमिन को इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ से। तो मैं यहाँ से एडमिन में यूजर एडमिन यूजर एडमिन यहाँ पे कर लेते हैं, फ्रॉम कैंगो डॉट कॉन्ट्रिक, ठीक है, डॉट ऑथ डॉट एडमिन से इंपोर्ट कर दो आप किसको, यूजर एडमिन को। यूजर एडमिन है हमारा, कैंगो हमको बाय डिफॉल्ट कराता है प्रोवाइड, इसको हम कर लेंगे ओवरराइट, मतलब इनहेरिट कर लेंगे। एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कुछ फील्ड बनाएंगे, जैसे हम लोग जैसे मैं पहला है लिस्ट डिस्प्ले, कि कौन कौन से फील्ड आप डिस्प्ले कराना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं तो ये लिस्ट ले लीजिए, टपल ले लीजिए, तो मैं टपल ले लेता हूँ। तो यहाँ पे पहला फील्ड मैं दिखाना चाहता हूँ ईमेल, ईमेल है यहाँ पे। इसके बाद सेकंड के लिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ फर्स्ट नेम RST5_name, देन सेकंड में यहाँ पे ले लेता हूँ लास्ट नेम LAST_name। इसके बाद यूजर नेम था उसमें एक,
यूजर नेम एंड लास्ट अंडरस्कोर लॉगिन था, एंड एक था डेट ज्वाइन, डेट अंडरस्कोर ज्वाइन, ठीक है, ये कुछ फील्ड हम लोगों ने ले लिया। एंड इज एक्टिव, एक्टिव भी दिखाना चाहो दिखा सकते हो, इज अंडरस्कोर एक्टिव। अब ये फील्ड कौन से है सबको पता है भाई कि हम लोग मॉडल्स में जो फील्ड बनाते हैं, यहाँ पे मॉडल्स में जो हम लोगों ने यहाँ बनाया था ना, ये फील्ड इन फील्ड में से किसी फील्ड को आप यहाँ पे रिपेयर कर सकते हो। मैंने ये कराया है, पहले चेक करो सर्वर में कोई एरर तो नहीं, कोई एरर नहीं, ब्राउजर पाते हैं, एंड इसके बाद हम लोग ने अकाउंट पाते हैं, तो यहाँ पे एक ही फील्ड दिख रहा था। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे वो सारे फील्ड दिखने चाहिए थे। ओके, सो क्यों नहीं दिख रहे, क्योंकि हम लोगों ने इसको रजिस्टर्ड नहीं किया। सो अकाउंट में आके ना, यहाँ पे जो हमारा अकाउंट एडमिन था, इसको भी हम लोग यहाँ पर रजिस्टर कर देंगे, सेव करेंगे, सेव करने के बाद ब्राउजर पे आके रिफ्रेश करेंगे जब हम लोग, सो दिखना चाहिए ये कुछ एरर आ रहा है। अब ये एरर क्या दिखा रहा है आपको, लिस्ट फिल्टर्स ग्रुप डज नॉट मैच। ओके, सो हम लोगों को फिल्टर लगाने पड़ेंगे जेंगो में कुछ, बाय डिफॉल्ट इसकी बनाए काम नहीं करेगा लिस्ट फिल्टर, ठीक है। सो लिस्ट फिल्टर हम लोग यहाँ पर देते हैं, जो लिस्ट फिल्टर में क्या क्या हो जाएगा, पहले तो लिस्ट अंडरस्कोर FIL, लिस्ट फिल्टर बाय डिफॉल्ट हम लोग यहाँ पे ब्लैंक ही रखते हैं, सेव करते हैं इसको, रिफ्रेश करेंगे। अच्छा ये एरर दिखते हैं, कोई एरर तो नहीं है, आपके दिखा रहा है अकाउंट फिल्टर हॉरिजॉन्टल। ओके, फिल्टर हॉरिजॉन्टल लगाना पड़ेगा हमको, फिल्टर हॉरिजॉन्टल, फिल्टर हॉरिजॉन्टल हो गया हमारा। एंड फील्ड सेट और कर लेते हैं, फील्ड सेट का भी देगा आपको एरर ही, फील्ड शर्ट। सो ये तीनों काम कर ली, अब देखते हैं कोई एरर तो नहीं भाई, कोई एरर नहीं, यहाँ पर आते हैं आप देख सकते हैं, आपको सारे फील्ड मिल जाते हैं, ईमेल एड्रेस, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर नेम दीपक कुमार, फिर उसके बाद लास्ट लॉग इन, डेट ज्वाइन एंड इज एक्टिव, परफेक्ट। बट इसको अगर मैं ऑर्डरिंग देना चाहूँ तो ऑर्डरिंग भी आप दे सकते हो, वो तो सिंपल ही है, आपने हर बार किया ही हुआ है। सो मैंने था आपको ओ आर ऑर्डरिंग, स्पेलिंग ओ आर डी ई आर एन जी, ऑर्डरिंग में ऑर्डरिंग हम लोग क्या करेंगे, डेट के अकॉर्डिंग ले लेते हैं, सिंगल कोट्स के अंदर माइनस डेट अंडरस्कोर ज्वाइंट, JJ INED, डेट ज्वाइंट। इसके बाद ये डेट ज्वाइन हो गया हमारा, परफेक्ट आना चाहिए आंसर, कोई एरर नहीं आ रहा ना, हाँ परफेक्ट। सो इतना हो गया, अभी अभी क्या करेंगे, जैसे मान के चलो कि मुझे लिंक्स बनानी है, लिंक मतलब कि जैसे एडमिन है, मैं चाहूँ तो नेम पे क्लिक कर लूँ, मैं चाहूँ तो लास्ट नेम पे क्लिक कर लूँ, या मैं चाहूँ यूजर नेम पे क्लिक कर लूँ, सो इस तरीके से कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ये नाते हम लोग वीएस कोड में, एंड यहाँ पे ना हम आते हैं यहाँ पे करते थे रीड ओनली फील्ड और लिंक डिस्प्ले, लिंक डिस्प्ले लिंक्स, ऐसे ये फील्ड यूज कर लेंगे हम लोग। एंड यहाँ पे जिस जिसको आपको लिंक बनाना है ना, वो टपल की फॉर्म में पास कर दीजिए, बहुत ही सिंपल है इसमें, तो आपको बस ईमेल लिखना है, एंड जैसे मुझे फर्स्ट नेम को भी करना था ना, FIRST फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, एंड हमें करना था लास्ट नेम को, लास्ट अंडरस्कोर, सेव करते हैं, सेव करने के बाद अगेन आएंगे हम लोग, रिफ्रेश करते हैं। ओके, फिर कुछ गलती कर दी क्या मैंने, ये कर दी मैंने लिस्ट और टपल, ऑर्डरिंग लिस्ट और टपल। ओके, तो यहाँ पे जब हम लोग ना ऑर्डरिंग दिए, लिस्ट या टपल में होनी चाहिए, और आपको पता है पाइथन के अंदर कि अगर हम लोग को सिंगल वैल्यू को या सिंगल एलिमेंट को टपल की फॉर्म पास करना, तो आपको कॉमा लगाना पड़ता है, कॉमा लगाया हम लोगों ने, अब मे बी ये एरर चला जाए, चला गया। इसके बाद अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो अब आप देखो नेम पे क्लिक कर सकते हो, यूजर नेम मैंने पास नहीं किया था, फर्स्ट नेम एंड ईमेल आईडी, इन तीनों को सेलेक्ट कर लिया, परफेक्ट ये भी काम कर रहे हैं।
ना अभी एक चीज और करना था हमको कि जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो क्लिक जैसे मान लो चलो मैंने ईमेल पे क्लिक किया तो ये फील्ड तो हो गया रीड ओनली फील्ड, ठीक है कोई इशू नहीं। इसके बाद इज एक्टिव इज एडमिन जो है, सो अब ये भी मैं चाहता हूँ कि जो इज लॉग इन जो लास्ट लॉग इन है और डेट ज्वाइन है ये भी क्या रहे हमारा रीड ओनली रहे। इसके लिए क्या करेंगे यहाँ पर आते हैं, आने के बाद यहाँ पर होंगे रीड ओनली फील्ड्स। अब रीड ओनली फील्ड कौन कौन से करने हैं आपको, पहला था लास्ट अंडरस्कोर लॉग इन एंड सेकंड था हमारा डेट अंडरस्कोर ज्वाइन। परफेक्ट, सेव करते हैं इसको। सेव करने के बाद ब्राउजर पाएंगे, रिफ्रेश करते हैं। अब देखेंगे आप लास्ट लॉग इन एंड डेट ज्वाइन, ये भी एडिटेबल नहीं। ये था हमारा आज का कंप्लीट कंसर्न कि हम किस तरीके से अपने जेंगो का जो एडमिन पैनल है वो किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। क्लियर, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो समझ लीजिएगा। और हाँ एक काम और करना है आपको, ये प्रोडक्ट हमारा जो डिलीट हो चुके हैं यहाँ से हट चुके हैं, अगेन आप लोग एडमिन पैनल में जाके यहाँ पे ऐड कर लीजिए सारे के सारे कैटेगरीज सारे के सारे प्रोडक्ट्स। ओके, तो एक प्रॉपर तरीके से काम करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेटवर्क के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।